करेंगे। ग्वालियर से खबर आ रही है जहां बताया जा रहा है कि नर्सिंग की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, नर्सिंग की एक छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है और जो आरोप है दुष्कर्म का वो छात्र नेता पर लगा है। फिलहाल जो छात्र नेता है जिस पर आरोप लगा है वो अभी फरार है और पुलिस छात्र नेता जिस पर आरोप लगे हैं दुष्कर्म की उसकी तलाश कर रही है। ऑनलाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप तोमर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, फिलहाल क्या ताजा अपडेट खबर पर? बताया जा रहा है छात्र नेता पर आरोप लगे हैं। देखिए, ये नर्सिंग कॉलेज की छात्रा है, ये दिल्ली की रहने वाली है। इसने अपने साथी छात्र पर आरोप लगाया है कि उसने दोस्ती करके उसको झांसा दिया, फिर वो अपने कमरे पे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। तो उस छात्रा ने कंपू थाना पुलिस में आकर ये शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला आरोपी खिलाफ दर्ज कर लिया है और जो छात्र नेता है उपेंद्र गुर्जर वो अभी फरार है, लेकिन पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जो कॉलेज के लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। जो आरोपी के पकड़ने के प्रयास में पुलिस लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि अभी पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी, लेकिन अभी जो आरोपी है भूपेंद्र गुर्जर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चलिए, शुक्रिया प्रदीप हमसे तमाम अपडेट साझा करने के लिए। तो बताया जा रहा है कि जिस युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है वो दिल्ली की रहने वाली है और जो छात्र नेता है उसके साथ ही पढ़ता था, जिसने उसके साथ पहले दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और फरार हो गया, जिसके बाद युवती ने पुलिस में शिकायत की है। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश में जुटी है।